अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़मान में रखे। दोस्तों, तलबा व तलबात के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। अब तलबा व तलबात की अटेंडेंस यानी हाजिरी जो है वो QR कोड के ऊपर होगी। ये किस तरह होगी और कैसे होगी, कहाँ पर होगी, ये तमाम तक तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब और बेल के आइकन के ऊपर प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना अथेंटिक एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वज़ीर तालीम है सिंध के और यहाँ पर ये इफ्तिताह कर रहे हैं। आपकी जो अटेंडेंस है आपके तालीमी इदारों के अंदर, वो अब आपकी जो है वो यहाँ पर QR कोड के ज़रिए होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंध का तालीमी निज़ाम डिजिटलाइज होने जा रहा है, जिससे असातिज़ा के साथ साथ बच्चों की हाज़िरी को भी यकीनी बनाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर सिंध के हर ज़िले से एक स्कूल को इस प्रोग्राम में शामिल किया गया है। बहुत जल्द तालका सतह और फिर सूबे के तमाम स्कूलों को इससे मुंसलिक किया जाएगा। ये किस तरह से होगा, यहाँ पर आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं वज़ीर तालीम की कि किस तरह से इसका इफ्तिताह कर रहे हैं और किस तरह से देखें यहाँ पर ये QR कोड के ज़रिए बच्चों की अटेंडेंस किस तरह से यहाँ पर होगी। तो ये सिंध का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से ये बहुत अच्छा कदम है। जो कि हाज़िरी का रजिस्टर होता था उसके ऊपर यस नो लिखा जाता था, तो उससे अब छुटकारा मिलने जा रहा है। सिंध के जो स्कूल्स हैं, अब ये इब्तदाई तौर पर कहा जा रहा है कि ये हर ज़िला यानी हर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर एक स्कूल के अंदर ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया है। अब इसको मज़ीद एक्सपेंड किया जाएगा, इसको तालके की सतह पर लेकर जाएगा और फिर इसको जो है वो पूरे सिंध के अंदर तमाम जो आपके स्कूल्स हैं उसके अंदर एप्लीकेबल किया जाएगा। ये स्कूलों के लिए होगा और ये स्कूल तमाम जो सिंध एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं उसके अंदर ये लॉन्च किया जाएगा। तो ये जो असातिज़ा हैं वो बच्चों की अटेंडेंस यहाँ पे QR कोड बच्चों के पास होगा तो उसको स्कैन करेंगे, उसके बाद बच्चों की अटेंडेंस वहाँ पे लग जाएगी। ये चक्कर नहीं होगा कि हाजिर है, ये है, वो है, जो होता था यस नो होता था, रजिस्टर भर जाते थे, फिर रजिस्टर नए लाने पड़ते थे। तो अब वो झंझट टीचर्स की भी ख़त्म हो चुकी है और अब जो है वो ये बड़ा अच्छा कदम सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट का यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये तफसीलात हैं, ये सिंध के लिए, बाकी सूबों के लिए नहीं है। मज़ीद तफसीलात इसके वजह से आती हैं तो वो आपको सबसे पहले चैनल के ऊपर पता चल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करें और आपको ये कैसा लगा, ये अच्छा कदम है का या इसके अंदर मज़ीद कोई कुछ चीज़ें और ऐड करनी चाहिए, तो आप अगर पेरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, अपनी जो राय है उससे आगाह ज़रूर करें कमेंट के अंदर। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, पाकिस्तान जिंदाबाद।